इन दिनों हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, यदि कहीं किसी को सोर थ्रोट यानी गले में खड़ास का लक्षण दिखता है तो शंका अवश्य होता है कि कहीं कोरोना वायरस के कारण तो नहीं हुआ है। इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे, अर्थात सोर थ्रोट कोरोना वायरस के कारण हुआ है या कोई अन्य कारण से हुआ है, इसे कैसे पहचाने। सोर थ्रोट कोई बीमारी नहीं बल्कि एक लक्षण है जो कई कारणों से हो सकता है, जैसे एलर्जन से, इरिटेंट से, फंगस से, बैक्टीरिया से या वायरस से। एलर्जन या इरिटेंट के कारण सोर थ्रोट हुआ हो तो इनके साथ साधारणतः कोई अन्य लक्षण जैसे फीवर, कफ दिखने को नहीं मिलता है तथा बिना किसी दवाई के स्वयं ठीक भी हो जाता है। यदि सोर थ्रोट फंगस के कारण हुआ हो जैसे ओरल थ्रस, तो मुंह में छाले भी पड़ते हैं जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। मुंह में छाले यानी व्हाइट लीजन्स बैक्टीरियल तथा वायरल सोर थ्रोट में साधारणतः दिखने को नहीं मिलता है। बैक्टीरिया या वायरस के कारण यदि सोर थ्रोट हुआ हो जैसे फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, लैरिंजाइटिस में सोर थ्रोट के अलावे कुछ अन्य लक्षण भी जैसे फीवर, कफ, रनी नोज दिखते हैं, लेकिन ये सब लक्षण कोरोना वायरस से संक्रमित रोगी में भी दिखते हैं। यहाँ लक्षण के आधार पर अंतर करना बड़ा मुश्किल है कि सोर थ्रोट कोरोना वायरस के कारण हुआ है या बैक्टीरिया या वायरस अदर देन कोरोना वायरस के कारण हुआ है। अब तक की जानकारी के आधार पर इसे इस प्रकार डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है कि कोरोना वायरस से संक्रमित रोगी में लक्षणों की शुरुआत यानी ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स ग्रेजुअल अर्थात क्रमिक होती है, यानी सोर थ्रोट से फीवर तथा ड्राई कफ के लक्षण आने में 5 से 14 दिन का समय लग जाता है, जबकि फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस तथा लैरिंजाइटिस में लक्षणों की शुरुआत दैट इज ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स रैपिड होती है, अर्थात सोर थ्रोट से फीवर, कफ तथा रनी नोज के लक्षण आने में केवल 1 से 4 दिन का ही समय लगता है। इस तरह आप लक्षणों की शुरुआत की प्रवृत्ति को देखकर अंतर कर सकते हैं कि सोर थ्रोट कोरोना वायरस के कारण हुआ है या कोई अन्य कारण से हुआ है। लेकिन ध्यान रहे, इससे पुष्टि नहीं की जा सकती है, अर्थात लक्षणों के आधार पर ही आप निश्चिंत न हो जाएं कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है या नहीं। पुष्टि के लिए नेजल स्वेब टेस्ट ही कराना होगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद यह था कि सोर थ्रोट होने पर आप बिल्कुल डर न जाएं कि आपको कोरोना वायरस का ही संक्रमण है, बल्कि सोर थ्रोट कई कारणों से हो सकता है।